उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट का जनपद स्तरीय सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार संगोष्ठी का आयोजन बक्सीपुर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में किया गया, जिसमें वक्ताओं ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई के जिला अध्यक्ष हीरा लाल प्रसाद गौड़ ने बताया कि नई शिक्षा नीति की समीक्षा की गई है। इस सम्मेलन के माध्यम से आगे की रणनीति तय की जा रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे, जिला कोषाध्यक्ष शोभित श्रीवास्तव, जिला मंत्री गौरव राय, सह संयोजक रतन सेन सहित अन्य पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के जिला अध्यक्ष हीरा लाल प्रसाद गौड़ ने कहा, बहुत सागर्भित संबोधन रहा आपका। कौन था वो व्यतिक्रम जरूर हो गया कि जयप्रकाश नायक बुला दिए गए, त्रिपाठी जी बुला दिए गए, जगतारण सरे जी बुला दिए गए और बुला दिए जाएंगे। आपकी बारी, आप प्रतीक्षा करते रह गए। इकाइयों में जाने के बाद पता लगता है कि कितना बोलते हैं आप, और इकाइयों में हम जा नहीं रहे हैं। आज जो विधायक जी ने जो चुनौती दी है, कसम है आपको, अगर आप जगदीश पांडे ठकुराई के सपनों को साकार करना चाहते हैं, राम निहोरा ठकुराई के भी सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अभी बहन हमारी कह रही थी, जिला अध्यक्ष की रिपोर्ट में बताया गया कि 47 इकाई 1800 की सदस्यता हमने दिया था। बहुत सारे साथी हैं, जगतारण जी भी गवाह हैं इस बात के लिए, 1800 1600 1700 ऐसे करके आती थी वो सदस्यता, कहाँ चली गई। शिक्षक आज भी है, लोग कहते हैं रिटायर हो गया, उससे दुगना शिक्षक आ गया है और दुगना विस्तार हो गया। 117 विद्यालय पूरे जनपद में एडेड हैं और मैं समझता हूँ 400-500 विद्यालय जो हैं अनएडेड हैं। एक चुनौती दूसरे तरह की आपको है, जाएंगे नहीं हम, हमने मंच पकड़ लिया। साल में एक दिन हम जो है वो क्या नाम है उर्स मना देंगे। सालाना उर्स मना देने से न संगठन चलता है, न संगठन की रीतियों को नीतियों को हम रूट तक पहुंचा सकते हैं और न हम किसी साथी के का हमदर्द हो सकते हैं। बहुत सारे साथी यहाँ आए हैं, मंच के किनारे भी उतनी भीड़ है जो है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे भाषण नहीं देना है, काम क्या है। मैं भी रिटायर हो गया 2017 में और आज की स्थिति यह है कि जब घूमा हूं तो मुझे लगता है कि 40-45 हजार रुपया शिक्षकों ने अपना चंदा दिया और सहयोग राशि दी, जिसका जिक्र अध्यक्ष जी ने अपने पत्रक में 5 पन्ने के पत्रक में किया। देश के एजेंडे को तय करता, लेकिन एक भी प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से नहीं आया। या तो यह जो है नेतृत्व के प्रति आपका जबरदस्त समर्पण कहें, चाहे आपकी अरुचि कह लिया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ प्रस्ताव ऑफिशियल जो अब तक पास होते रहे हैं उसमें से कुछ को हमने बनाया है जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर अगर कोई संशोधन देना होगा तो बताइएगा, अन्यथा इसे पारित मान लिया जाएगा और प्रदेश कार्यकारिणी को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जो अपने प्रदेश सम्मेलन में इस पर विचार करके जो उचित समझेगी वहां का बहुमत जो पारित करेगा, क्योंकि प्रस्ताव और एजेंडे सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान तय होते हैं। ये नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कह देते हैं वो हो जाता है, ऐसा न सोचिए। जो लोग जानते हैं वो जाते हैं वहां, जानते हैं वहां का बहुमत इनमें से जिन प्रस्तावों को स्वीकृत करेगा अगले वर्ष के एजेंडे में आप पाएंगे। हम उसमें पढ़ रहे हैं, पहला प्रस्ताव शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, दूसरा कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए, तीसरा पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष को तेज किया जाए, चौथा प्रस्ताव वित्त विहीन शिक्षकों को पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिलाते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग सरकार से जोरदार ढंग से उठाई जाए, व्यावसायिक शिक्षकों के आंदोलन के संघर्ष को एजेंडे में रखा जाए, सभी माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त कराए जाए, सन 2000 के पूर्व से नियुक्त परंतु धारा 33 में विनियमितकरण से वंचित तदर्थ शिक्षकों को भी विनियमित कराया जाए, कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षण अनुभव को प्रधानाचार्य पद हेतु मान्य कराया जाए, 22 मार्च 2016 से विनियमित शिक्षकों को तदर्थ सेवा जोड़कर पेंशन लाभ दिलाया जाए, कैशलेस चिकित्सा सुविधा माध्यमिक शिक्षकों को भी अनुमान्य कराया जाए, शिक्षा विभाग के कार्यालयों में ई फाइलिंग लागू की जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पत्रावली का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में कराया जाए, शिक्षकों को भी पितृत्व अवकाश ये केंद्र में दे है यहाँ भी लागू किया जाए, उच्च एवं बेसिक शिक्षा की भांति माध्यमिक शिक्षा में भी शीत अवकाश की व्यवस्था की जाए, मूल्यांकन पारिश्रमिक की दरें CBSE के समान की जाए,
फ्रीज डीए एवं समाप्त किए गए सभी भत्ते बहाल किए जाएं, कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए, और इसमें एक प्रस्ताव जोड़ता हूं जो रंजना ठाकुर बहन जी ने दिया है, उसको जो हमने समझा है उसे अपने शब्दों में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि शिक्षकों के लिए भी एक निश्चित अंतराल पर नई शिक्षण प्रविधियों और नए तौर तरीकों को बताने के लिए समय समय पर ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर की व्यवस्था जैसे कि उच्च शिक्षा में लागू है यहाँ भी लागू की जाए, ये ऑफिशियल हमारे प्रस्ताव हैं। इस पर किसी साथी को आपत्ति हो तो आप उठ करके अपना हाथ वहाँ से उठाए। जिला सम्मेलन है और बहुत दिनों के बाद इस तरह से हो रहा जैसे होना चाहिए, इसके लिए जिले के लोगों को आप सबको मैं बधाई देता हूँ। मित्रों, जैसा विधायक जी कह गए, मैं इसको महसूस करता हूँ कि पूरी शिक्षा बाजार के हवाले करने की योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। शब्द तो उसे बहुत अच्छे लिखे गए, बातें बहुत अच्छी कही गई हैं, लेकिन जैसा हमारी बहने आई थी, कौन ठाकुर है, रंजना ठाकुर ने ठीक कहा कि पैसा कहां से आएगा। पैसे के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि पैसे की व्यवस्था फिलैंथ्रोपिक पब्लिक पार्टनरशिप से आएगा, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरा नाम हीरालाल प्रसाद गौड़, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराईगुट, जनपद गोरखपुर। ये जिला वार्षिक जिला सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी का आयोजन इस समय हुआ है, जिसमें मुख्य विषय है नई शिक्षा नीति 2020 एक समीक्षा। इस कार्यक्रम में नगर विधायक डॉक्टर मोहनदास अग्रवाल जी उपस्थित रहे, हमारे परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश पांडे ठकुराई जी उपस्थित रहे, शिक्षकों के समक्ष जो नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, शिक्षक समाज आज जूझ रहा है, कई कई भत्ते कट गए, पुरानी पेंशन योजना बंद हो गई, ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों को एक निर्णायक कदम उठाते हुए अपने सभी मेहनत से संघर्ष के बदौलत अर्जित उपलब्धियों को पुनः प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर नए सिरे से संघर्ष का आगाज करना होगा। ये वार्षिक सम्मेलन हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक माध्यम बनेगा। नई शिक्षा नीति 2020 एक समीक्षा, जो सरकार द्वारा विगत दिनों में कई कई भत्ते काट लिए गए, जैसे नगर प्रतिकर भत्ता, पारिवारिक जीवन बीमा आदि।